हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नेहा द्विवेदी आज फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन न्यू वीडियो एक लेके आई हूँ, नया लेक्चर जो कि है BCA 012 बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखें, और मेरे जितने भी इसके एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई है उसमें सारे का सारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड है। आप चाहें तो वो पूरे लेक्चर्स उसके देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट के, और ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्वेश्चंस में मैंने इनके जितने भी बेसिक्स हैं वो भी क्वेश्चन में वो भी एक्सप्लेन करते हुए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि आपको इनके बेसिक्स में प्रॉब्लम ना हो, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप ईजिली उनको सॉल्व कर दें। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ एंड पेपर पूरा सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास आती रहेंगी। जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगी। ओके, देन अभी हम कर रहे हैं BCA 012 का क्वेश्चन पेपर December 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या बोला है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, देन शो डैट दिस इज इक्वल टू 49। ये हमें प्रूफ करना है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही, इस पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात जहाँ आ जाती है वहाँ ये हो जाता है 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी बात एक ये भी आती है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू इसमें होती है 1, क्योंकि इसमें क्या बोला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसलिए इसमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमें इन दोनों का यूज़ करते हुए आप देख लीजिए, या तो सिर्फ इसका यूज़ होगा या इसका यूज़ होगा, इनका यूज़ करते हुए हमें ये सॉल्व करना है। ओके, देन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा। आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम पहले इसको क्यूब ओमेगा क्यूब में स्प्लिट करेंगे, ओमेगा क्यूब में इसको ब्रेक करेंगे 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस ओमेगा। आप इसको ध्यान दीजिए, आप इसको क्यूब के टर्म्स में कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए 9 3 = 21 होता है, एंड 9 8 3 = 24 होता है, 7 9 = 21 होता है, क्या होता है 3 7 = 21 होता है। एंड अगर मैं इसको लिख दूँ 3 to the power 7, ओके 3 7 = 21, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 to the power 7 3 7 = 21, बट हमें तो 19 दिया है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 to the power 6, तो 6 3 = 18 क्या हो गया, 6 3 = 18 हो गया। और यहाँ पे एक ओमेगा हम अलग से लिख सकते हैं। ये अलग से क्यों लिखा है मैं फिर बताती हूँ। जब हमारा ये बेस ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है इनकी, ऐड होती है। तो देखिए इससे तो क्या बन गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या होंगी ये पावर मल्टीप्लाई होंगी। मैं इसका फंडा बता देती हूँ एक सिंपल सा, ताकि आपके बेसिक्स में अगर जिसको आता है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता उसके लिए बता देती हूँ। a to the power n और m, तो यहाँ पे क्या होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, a to the power n into m हो जाती है, a to the power n into a to the power m है मल्टीप्लाई, बेस क्या है सेम है, तो इसमें होता है a to the power n + m, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। और जब ये डिवाइड में होता है an / am, तो ये हो जाता है पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हमारा इसका यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ओ शिट, सॉरी मैंने तो यहीं पे लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 6 = 18 और 18, और जब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 18 + 1 19। ओके, अब मैं इसको भी स्प्लिट कर दूँगी, तो इसके लिए 2 - ओमेगा यहाँ लिख सकती हूँ 3 to the power 7, 7 3 = 21 एंड ओमेगा स्क्वायर 21 + 2 कितना हो जाए 21 + 2 = 23। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया। अब देखिए कैसे सॉल्व किया है, 2 - ओमेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 - ओमेगा स्क्वायर। ओके,
मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, टू माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन, तो वन टू द पावर सिक्स इंटू ओमेगा, ये ओमेगा तो ऐसे ही रह गया ना। एंड अब इसको भी करेंगे, टू माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन, तो वन टू द पावर सेवन और ओमेगा स्क्वायर, तो आप ये देखिए टू माइनस ओमेगा एंड दिस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा टू माइनस वन इंटू वन की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन, वन की पावर कितनी भी होती है उसकी वैल्यू होती है वन, क्योंकि वन की पावर अगर सिक्स है तो हम लिखेंगे वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए वन से तो वन ही तो आएगा ना, तो इसलिए वन की पावर सिक्स तो वन, वन इंटू डब्ल्यू इज वन इंटू ओमेगा इज ओमेगा एंड टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से ही हो गया। ओके अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये और आपका ये सेम है, ये और ये दो बार है, तो जब भी कोई चीज़ दो बार होती है हम उसको स्क्वायर कर देते हैं, है ना। जब भी सपोज ये टू इंटू टू है तो हम इसको क्या लिख सकते हो, टू 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 दी पावर टू लिख सकते हैं, मीन्स टू का स्क्वायर, तो वैसे ही हम कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, टू माइनस ओमेगा टू टाइम्स है तो इसका स्क्वायर एंड टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू माइनस ओमेगा एंड टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटरनली, अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, टू को माइनस क्योंकि ये माइनस है ना, तो टू को जब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो टू ओमेगा स्क्वायर एंड ऐसे माइनस ओमेगा इंटू टू माइनस टू ओमेगा एंड माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओके आई होप आपको ही समझ में आया, देखिए इसको इससे भी किया इसको इससे भी किया, सेम इस नंबर इसको इससे भी एंड इसको इससे भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा, अब आपको पता है प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है वन, यहाँ पे मैंने वन कर दिया, फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव माइनस टू कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो मेरा क्या बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर सॉरी प्लस, देखिए यहाँ माइनस लिया तो ये सेम लाने के लिए माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके एंड आपको पता है भी मैंने एक सिचुएशन यहाँ बताई थी, ये तो ओमेगा इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन अगर इधर चल जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या सक सकती हूँ माइनस वन, तो क्या हो जाएगा फाइव माइनस माइनस प्लस वन, तो कितना हो जाएगा फाइव प्लस वन सॉरी टू वन जा इज टू, तो फाइव प्लस टू इज टू। अब एक चीज़ हमने स्किप किया है, आपने ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या था होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर भी तो रखेंगे, तो ये होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कंटिन्यू होगा, हमने अंदर का सॉल्व किया होल स्क्वायर तो एज इट इज़ है हमारा, तो यहाँ पे ये हमारा इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा सेवन का होल स्क्वायर, सेवन सेवन जा 49। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू की वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक आइकन ज़रूर प्रेस करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिए क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे इससे आप मोटिवेशंस मिलेंगी कि वीडियो कैसी बन रही है, कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसमें इनोवेट करूँगी, थोड़े चेंजेस करूँगी, एंड जो भी क्वेरीज हैं कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।